We want our study of scripture to be practical and not theoretical. और जो हम यहाँ पे सीख रहे हैं वो बिल्कुल हमें अपने जीवन में उसको लागू करना है, केवल सुनना ही नहीं. What were the two good qualities that the Pharisees had? दो अच्छे योग्यता जो फरीसियों के अंदर थे वो क्या थी? Which Jesus himself certified as good. यहाँ तक कि प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि ये बहुत ही अच्छा है करके उनके बारे में. Sometimes we think everything about the Pharisees was bad. और कई बार हम ऐसा सोचते हैं फरीसियों के बारे में, जो भी सोचते हैं सब बुरा ही सोचते हैं. But there were two good things that Jesus pointed out. लेकिन उनके बारे में दो खासियत, दो अच्छाई उनके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने कहा. Which two good qualities most of us have? और हम में से ज़्यादातर लोगों के अंदर वो दो खासियत क्या चीज़ है? See Matthew chapter 23. मत्ती 23 देखेंगे. This is the chapter where Jesus denounced the Pharisees for so many wrong things in their life. और यहाँ पे हम देखते हैं कि फरीसियों को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो डांटते हैं उनके हर एक बुरे कामों के लिए. Because there were many wrong things in their life. क्योंकि उनके अंदर बहुत सारी गलतियाँ थी. And Jesus used very strong words speaking to them, "You vipers and generation of vipers and all that." और प्रभु यीशु मसीह ने बहुत ही क्रोध होकर उनको जो है सांप के बच्चे करके वहाँ पे बोला है और इस प्रकार का प्रयोग उन्होंने किया है. But here's one good quality. यहाँ पे एक अच्छा उनकी योग्यता बताया है, खासियत बताया है. Verse 2 and 3, Jesus told his disciples. यहाँ पे दो और तीन में देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा. The Pharisees are sitting in the chair of Moses. शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं. Everything that they tell you to do, do. इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहे वह करना. What does that teach us? ये हमें क्या सिखाता है? That all their doctrines were right. कि उनके जितने भी सिद्धांत हैं वो सब सही थे. Will Jesus ever say to you, all that the Roman Catholic Church teaches, do? क्या प्रभु यीशु मसीह कभी ऐसे सिखाएंगे कि जो भी कैथोलिक चर्च जो भी करते हैं वो क्या सब गलत है? Will he tell you to do it? नहीं, वो सब करने को कहेंगे क्या? और जो कैथोलिक कलीसिया जो करते हैं वो आपसे कहेंगे कि क्या वो तुम भी करो? All that the Jehovah's Witnesses teach, do. Will he say that? या फिर ऐसा कहेंगे कि यहोवा विटनेस वाले जो भी कहते हैं वो तुम लोग करो? No. नहीं. About whom will he say, everything they teach you, do it? किसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ऐसा कह सकते हैं कि जो कुछ भी वो बोले वो मानो? Everything. It says all that they tell you to do, do. यहाँ पे लिखा है कि तुम जो कुछ कहे, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहे वह सब करना. That means, see, Jesus would say that only if somebody's doctrine is absolutely right in every area. और प्रभु यीशु मसीह ये बात तभी कह सकते हैं जब उनका सिद्धांत बिल्कुल सही हो. See, some of our even Protestant churches, they don't teach everything correctly. यहाँ तक कि प्रोटेस्टेंट कलीसियाँ भी सब कुछ सही नहीं सिखाती हैं कई बार. मैनी ऑफ आर प्रोटेस्टेंट चर्चेज दे बैप्टाइज चिल्ड्रन. और कई प्रोटेस्टेंट कलीसियाँ जो है वो बच्चों को बपतिस्मा दे देते हैं. सो जीसस विल नॉट से ऑल दैट दे टीच यू डू इट. प्रभु यीशु मसीह ऐसा कभी नहीं कहेंगे कि जो कुछ वो बोलते हैं शिक्षा देते हैं वो करें. दिस मस्ट हैव बीन अ वेरी हाई स्टैंडर्ड ऑफ डॉक्ट्रिन दैट द फरीसीज जीसस कुड से एवरीथिंग दे डू इज राइट एवरीथिंग दे टीच इज राइट. इनका इसका अर्थ यह है कि उनका जो सिद्धांत है वो बहुत ही उच्च स्तरीय है और वो बिल्कुल सही है. इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने निर्देश दिया कि जो कुछ वो बोले करो. अदरवाइज ही वुड नॉट टेल हिज डिसिपल्स. नहीं तो अपने चेलों से ऐसा नहीं कहता. दैट इज द नंबर वन good quality of the Pharisees. फरीसियों का सबसे अच्छा खासियत यह है. All their doctrines were correct. कि उनके सारे सिद्धांत बिल्कुल सही थे. Secondly, दूसरा, we see here in verse 25. और 25 में हम देखते हैं. You scribes and Pharisees, you clean the outside of the cup and the dish. यहाँ लिखा है कि फरीसियों को तुम कटोरे और थाली को ऊपर से तो मांजते हो. See, that means the outer life of the Pharisees were clean. इसका अर्थ यह है कि जो बाहरी जो जगह है, बाहरी जो जो हमें दिखता है वो बिल्कुल साफ सुथरा है. Their external life. यानी कि बाहरीपन जो है, बाहरी जिंदगी. They didn't commit adultery. वो कभी व्यभिचार नहीं करेंगे. They didn't kill people. लोगों का खून नहीं करेंगे. They kept the Sabbath.
और सबत का दिन पवित्र मानते हैं। All those commandments God had given, they didn't worship idols. और कोई भी मूर्ति पूजा नहीं करते, जितने भी परमेश्वर ने आज्ञा दी है। External life was clean. उनका जो बाहरी जीवन है बहुत ही साफ सुथरा है। Isn't that a good quality? क्या ये अच्छी खासियत की बात नहीं? There are many Christians whose external life itself is not clean. और बहुत सारे मसीह लोग हैं जिनका बाहरी जीवन भी बहुत खराब है। But Jesus gave a certificate, your external life is clean. लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने खुद एक प्रमाण पत्र उनको दिया कि उनका जो बाहरी जीवन है बहुत साफ सुथरा है। So what do we learn from that? तो हम इससे क्या सीखते हैं? What do you learn from that for yourself? तो हम अपने आप से इससे क्या सीख लेते हैं? Your doctrine may be 100% right. हो सकता है कि आपके सिद्धांत सारे सही हो। Your external life may be 100% clean. और आपका बाहरी जीवन जो है वो भी बिल्कुल साफ सुथरा हो। And still you may be the biggest Pharisee in your church. लेकिन उन सबके बावजूद भी आप अपने कलीसिया के सबसे बड़े फरीसी हो सकती हैं। But so many Christians glory in these two things. लेकिन कई मसीह लोग जो है अपने आप को जो है महिमा देते हैं, घमंड महसूस करते हैं इन दो बातों में। We're not like those people who baptize children and all these wrong doctrines. हम उन लोगों की तरह नहीं जो गलत शिक्षा देते हैं कि बच्चों को बपतिस्मा देना चाहिए। No, all our doctrines are right. नहीं, हमारे सारे सिद्धांत बिल्कुल सही है। And look at our external life. We don't cheat anybody. We are living upright, clean lives. और हमारी बाहरी जीवन को देखो, हम बिल्कुल धर्मी जीवन जीते हैं, बिल्कुल सही मार्ग में चलते हैं। And if you glory in these two things, you don't realize you could be the biggest Pharisee of all. अगर जो हम इन दो बातों में घमंड महसूस करते हैं, तो हम सबसे बड़े जो है पाखंडी या फरीसी होंगे। And remember, the Pharisees killed Jesus. और याद रखें कि फरीसियों ने ही प्रभु यीशु मसीह को मरवाया था। So anybody who glories in these two things could be hand in hand with those who kill Jesus today. और अगर जो ये दो चीजें हमारे अंदर हैं, तो हम उन लोगों के समान हो जाएंगे जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को मरवाया था। What was it they did not have? उनके पास क्या चीज नहीं था? They did not practice what they preached. जो वो लोग जो प्रचार करते थे, उसका अनुसरण नहीं करते थे। And their inner life was all dirty. और उनका जो भीतरी जो जीवन है, भीतरी मनुष्य है, वो बहुत गंदा था, मैला था। So, we're talking about the coming of the Lord now. और अभी हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में सीख रहे हैं। How to be ready for the coming of the Lord. तो हमें तैयार होना है प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए। And like we said, we need to be study for those subjects which are coming in the final examination. तो मैंने पहले भी बताया कि जो आखिरी परीक्षा में आता है, उन्हीं विषयों को हमें सीखना है। You won't encourage your children to study for something which is not coming in the final examination. और आप कभी भी अपने बच्चों को प्रोत्साहन नहीं देंगे कि उन विषयों को पढ़ने के लिए जो परीक्षा में नहीं आएंगे। So God is not going to test your doctrine in the final day. तो आखिरी दिनों में परमेश्वर आपके जो सिद्धांत है उसकी परीक्षा नहीं लेगा। No. नहीं। He's not going to test your knowledge of the scriptures. और आपके वचन की जो जानकारी है, जो ज्ञान है, उसकी परीक्षा भी नहीं लेगा। What is he going to test? तो वो किस चीज का परीक्षा लेगा? We saw in one example that he's not going to check up how many miracles you did or how many demons you cast out. और वो भी नहीं जांचेगा कि आपने कितने अचंभे के काम किए और कितने दुष्ट आत्माओं को निकाला। No, he's not going to ask you all that. वो सब आपसे पूछेगा नहीं। And we saw that sin is going to be the most serious thing in the final day. तो आखिर दिन में जो पाप है वो सबसे गंभीर बात होगा। But sin where? पाप कहां पर? Not the external life. बाहरी जिंदगी में नहीं। Now turn to 1 Corinthians chapter 4. पहला कुरिन्थियों चौथा अध्याय देखेंगे। You know, one of the common habits that all the children of Adam have is to judge other people. और पहला एक साधारण सा जो पाप है वो है जो जो आदम के द्वारा जन्म लिया उनके अंदर ये है कि सबके ऊपर न्याय करना। We don't judge ourselves, we judge others. हम अपना न्याय नहीं करेंगे लेकिन दूसरों का न्याय करेंगे। And the devil encourages you to judge others. और जो दुष्ट शैतान है वो प्रोत्साहन देगा कि आप दूसरों का न्याय करें। Because he himself is the accuser of all the brothers. क्योंकि वो हर एक भाइयों के ऊपर दोष लगाने वाला दोष लगाने वाला व्यक्ति है। He is always instigating you to find fault with others. तो वो हमेशा हमें प्रोत्साहन देता रहेगा कि दूसरों के जो कमी गटी है उनके समस्याओं को ढूंढे। Never allows you to judge yourself. और कभी भी अनुमति नहीं देगा कि आप अपने आप को जांचें। So if you want to overthrow the devil, one thing you can do is this. अगर जो आप इस शैतान को निकाल फेंकना चाहते हैं अपने जीवन से, तो ये एक बात है। You decide, Satan, I'm not going to judge other people from now on. तो आप शैतान से कहें कि आज से मैं दूसरों का न्याय नहीं करूंगा। I'm going to judge myself. मैं अपने आप को न्याय करूंगा। That will really disturb the devil. और ये इससे जो है शैतान परेशान हो जाएगा। You do that, you'll find that आप ऐसा करके देखिएगा। You'll find you overcome Satan. तो आप देखेंगे कि आप शैतान के ऊपर फतह पाएंगे। Now turn to 1 Corinthians 4. पहला कुरिन्थियों 4.
It says here in verse 5. यहाँ पे पांचवें वचन में लिखा है. Do not go on passing judgment before the time. समय से पहले किसी बात का न्याय ना करो. That means there is a time to judge. इसका अर्थ यह है कि न्याय करने का एक समय है. He is not saying never judge. वो ऐसा भी नहीं कह रहा कि कभी न्याय ना करो. He says don't judge before the time for judgment has come. वो ऐसा कह रहे कि समय से पहले किसी का न्याय ना करो. So since you all have a great lust to judge other people. और हमारे अंदर बहुत ही अभिलाषा रहता है कि हम दूसरों का न्याय करें. God says I'll allow you to do that, but do it at the right time. लेकिन परमेश्वर कहता है कि सही समय पर करो, मैं उसके लिए समय दूंगा तुम्हें. Not before that. उससे पहले, समय से पहले नहीं. When is the right time? और सही समय पर करें. Verse 5, when the Lord returns. प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बाद. When the Lord returns, then please feel free to judge everybody. जब प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा, उसके बाद जो है सबका न्याय कर सकते हैं. Because only then you will see 90% of people's lives. केवल तभी आप 90% लोगों का जीवन देख सकते हैं. See, right now you can only see 10% of people's lives. इस समय आप केवल एक व्यक्ति का केवल 10% जीवन ही देख सकते हैं. You may know more about the people who live in your home. आप अपने घर में अपने साथ रहने वाले को ज्यादा जानते होंगे. But all the people who do not live in your home. जो कोई आपके घर के अंदर नहीं रहते, आपके साथ all नहीं रहते. All the people you meet in church. जिन लोगों को आप कलीसिया में मिलते हैं. You know only 10% of their life. उनको केवल आप 10% ही जानते हो. The most important part of their life you don't know. और उनके प्रमुख जीवन की जो जीवन है वो आप नहीं जानते, जीवन के बारे में नहीं जानते हैं. What do you think of a teacher, examiner who examines only 10% of the paper and then decides to give marks? आप उस अध्यापक के बारे में क्या सोचते हैं जो 10% केवल जवाब को जानता है और सारे परीक्षा का जो हल निकाल के उसको चेक करता है? He'll say, why didn't you check all the rest of the paper questions? तो आप पूछेंगे कि पूरा 100% जो है जवाब को क्यों नहीं देखते? You looked at only 10% of that student's answers and gave the marks. केवल 10% जो है जवाब का चेक करके वो उसका जो है अंक देते हैं. Wouldn't you object if a teacher looked up only your children's 10% of their answer papers and then gave the marks? क्या आप सवाल नहीं उठाएंगे उस अध्यापक के ऊपर जो केवल 10% जवाब को देखकर जो है अंक देते हैं? Gave your child zero because first page is all wrong. और उनको जीरो दे देते हैं क्योंकि पहला पन्ना उसने पूरा गलत उत्तर लिखा है. You say, hey teacher, the other 9 pages are all correct. तो आप बोलेंगे कि अरे अध्यापक जी, 9 अगले और पन्ने हैं, उनको भी देखो. Okay, first page is wrong. हाँ, मानता हूँ कि पहले एक पन्ना गलत है. But the other pages are all correct. He should get 90%. लेकिन बाकी सारे पन्ने तो सही है, उसको 90% मिलना चाहिए. How do you give him zero? लेकिन आपने जीरो दे दिया है. That is exactly what many of you are doing to other people. और यही बात हम दूसरों के साथ करते हैं. You know 10% of their life and you have started giving marks. हम केवल एक व्यक्ति के बारे में 10% जानते हैं और हम उनको अंक देना चालू कर देते हैं. So that's why it says wait till the Lord comes when you'll be able to see the whole answer paper. इसलिए परमेश्वर का वचन कहते हैं कि इंतजार करो पहले जो है न्याय करने के लिए, अभी ना करो, प्रभु यीशु मसीह के आगमन की बात करो. What is the other 90% that you cannot see in other people's lives? और वो 90% क्या चीज है जो आप दूसरों के जीवन में नहीं देख सकते? नंबर वन, पहला, the things hidden in darkness, जो कि अंधकार में छिपी बातें. You cannot see the hidden parts of a person's life. किसी भी इंसान के जो जीवन में अंधकार में छिपी हुई बातें हैं वो आप नहीं समझ सकते हैं. All the people you meet in church, you don't know how they behave at home. जो लोगों से आप कलीसिया में मिलते हैं वो नहीं, आप उनको नहीं जानते कि वो घर में किस प्रकार से जीते हैं. You don't know how they behave in their office. वो अपने ऑफिस में किस प्रकार से जीते हैं. You don't know how they behave on the roads when people are getting angry with each other. और सड़क पर किस प्रकार का जीवन जीते हैं जब लोग क्रोधित होते हैं उनके ऊपर. You don't know how they behave in a crowded train. और भीड़भाड़ वाले ट्रेन में किस प्रकार से वो जीवन जीते हैं. Like that I can make a list of many things. इस प्रकार से मैं पूरा एक सूची बना सकता हूं. You don't know how much they fight with auto rickshaw drivers and vegetable vendors and all that. You don't know that. और आप नहीं जानते सब्जी वालों से और ऑटो रिक्शा वालों से कितना लड़ते हैं वो. You don't know anything of that. आप उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते. You just see how nicely they sing and talk to you in the church. और आप लोग देखते हैं कि किस प्रकार से वो कलीसिया में अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं. You're giving marks. और उनको अंक दे देते हैं. You haven't seen the hidden areas of their life. आपने उनके रहस्य की बातें, छुपी हुई बातें नहीं जानते. Even if you're living in the same house.
यहाँ तक कि अगर जो आप उनके साथ उसी घर पे रहते हैं, even if you're married for 50 years, आपने शादी होकर 50 साल भी बीत गए हो, living in the same house, और एक ही घर पे रहते हो, you still do not know what are the thoughts going on in your husband's mind. और उसके बावजूद भी आप ये नहीं समझ सकते कि आपके पति के दिमाग में क्या चल रहा है, or what is going on in your wife's mind, या आपके पत्नी के दिमाग में क्या चल रहा है. Is that important? क्या वो प्रमुख है? Definitely, God considers that important. हाँ, परमेश्वर तो उसको बहुत प्रमुख समझता है. So what I'm trying to say is, these things hidden in darkness, we cannot see. इसलिए जो बातें अंधकार में छिपी हैं, वो उन बातों को हम समझ नहीं सकते. What he is doing when he's alone in some room, we don't know. और हम नहीं जानते वो अकेले जब कमरे में रहता है तो क्या कर रहा है. So there are so many areas of a person's life we know nothing about. और एक व्यक्ति के जीवन के बहुत सारे ऐसे जगह हैं जिनको हम नहीं जानते. We only know 10%. हम केवल 10% ही जानते हैं. That is why I said it's like a teacher who just sees the first question and gives marks zero. इसलिए मैंने कहा कि ये उस अध्यापक की तरह है जो पहला उत्तर देखता है और जीरो दे देता है. Or gives 100% based on the first question. और या फिर 100% दे देते हैं क्योंकि पहला उत्तर उन्होंने सही लिखा. But the other 9 questions have all answered wrong. और आगे का जो 9 जवाब है वो बिल्कुल गलत लिखा होगा. He should get 10%, but the teacher gives 100%. उसको 10% मिलना चाहिए लेकिन जो अध्यापक है उसने 100% दिया. Because foolishly that teacher judged on the basis of 10% of the answer paper. क्योंकि मूर्खतापूर्वक उसने जो है न्याय चुकाया पहला जवाब देके, यानी कि 10% देखकर. That is why we give 100% to some people who should get only 10%. इसलिए हम किसी किसी को 100% दे देते हैं जहां यहां तक कि उनको सिर्फ 10% ही मिलना चाहिए. Zero to somebody else who should get 90%. और किसी को हम 0 अंक दे देते हैं जिसको कि 100% मिलना चाहिए. I hope you understand now why the Bible says do not judge. अब मैं सोचता हूं कि आप लोगों को समझ में आया कि बाइबल क्यों कहता है कि दूसरों का न्याय नहीं करना चाहिए. Wait till the Lord comes. और हमें इंतजार करना है प्रभु के आगमन तक. This is one way to be ready for the Lord's coming. और ये एक और तरीका है प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार होना. I will not judge anybody. मैं दूसरों का न्याय नहीं करूंगा. But there's a difference between judgment and discernment. और एक भिन्नता है न्याय करना और एक व्यक्ति को समझने में. That means I sense when I listen to a certain preacher, he is not genuine. जब किसी प्रचारक को मैं सुनता हूं तो मुझे पता चलता है कि ये सच्चा नहीं है. The way some people talk, you say, this guy is a crook, I can make out that. और मैं समझ जाता हूं कि ये व्यक्ति सीधा नहीं है. So I'm not judging him. मैं उसका न्याय नहीं कर रहा. I'm just discerning him, so I will not have any dealings with him in my life. मैं उसको समझने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आगे कुछ और काम उसके साथ लेन देन ना करूं. I will not spend my listening time listening to this preacher because I feel he is not genuine. और किसी प्रचारक का प्रचार सुनने के लिए मैं अपना समय व्यर्थ नहीं गवाऊंगा जो मुझे लगता है कि वो सचमुच में परमेश्वर वचन में से नहीं कर रहा है. That is discerning for my own benefit. और मैं अपने लाभ के लिए समझने की कोशिश कर रहा हूँ. But judging is, I pass a judgment on him. He's like this, he's like that. न्याय का मतलब है मैं बोलता हूँ कि ये व्यक्ति इस प्रकार का है या उस प्रकार का है. Discernment is more an inward thing. और जो समझना है वो है अपना अंदरूनी बात. I discern something, so I decide whether I can have dealings with this man or not. और मैं उस व्यक्ति के बारे में जो है जानकारी हासिल करता हूँ ताकि उसके साथ आगे कुछ काम करना है कि नहीं. For example, if you are considering marriage, you must discern. You don't have to judge a person, but you must discern. Do I want to spend my life with this person or not? शादी करने से पहले हमें उस व्यक्ति को जांचना है, समझना है कि इस व्यक्ति के साथ मुझे शादी करना चाहिए कि नहीं. You're not judging the person, but you're discerning. I don't feel free about this person. आप उसका न्याय नहीं कर रहे, लेकिन आप समझने की कोशिश कर रहे हैं. So remember the understand the difference between discerning and judging. इसलिए याद रखें इस भिन्नता को कि न्याय करना और किसी व्यक्ति को समझना. Discerning is a more inward thing for my personal relationship with somebody. और समझना मतलब जो है वो हमारे अंदरूनी एक चीज है और वो हमारे खुद के लाभ के लिए है. That I must do all the time. और वो मुझे हमेशा करना है. We must discern every preacher we listen to. Can I continue listening to him or is it? और हर एक प्रचार का जांच पड़ताल करना चाहिए ताकि मुझे उसे सुनना चाहिए या नहीं करके. This is attitude to money, Christ-like. This is attitude to money, Christ-like. या फिर ये मसीह जीवन के लिए प्रोत्साहन करता है या फिर धन दौलत के लिए. Is he leading me to a godly life? क्या वो मुझे सहायता करेगा कि मसीह जीवन जीने के लिए, ईश्वरीय जीवन जीने के लिए. That is discernment. और वो है समझना.
So judging is another thing. और न्याय करना दूसरी बात है. And here it says, when the Lord comes, He will reveal all these hidden things. और वो कहता है कि जब प्रभु आएगा तो उस समय सारी छुपी हुई बातों को प्रकट करेगा. See, in our mind, there's a thing called memory. हमारे दिमाग के अंदर याददाश्त करके एक बात है. That memory is like a videotape that is always recording everything in our life. और वो याददाश्त जो है वो एक वीडियो टेप की तरह हर चीज को जो है रिकॉर्ड कर लेता है. Like this camera is now video taping here. ये यहाँ पे कैमरा है जो कि उस हर चीज को अपने अंदर समा लेता है. Taking a picture of everything. वो हमारे सबके पिक्चर ले लेता है. But it can't take a picture of what's in my thoughts. लेकिन वो हमारे जो दिमाग में चल रहा है उस चीज का पिक्चर नहीं ले सकता. This camera cannot tell you whether I am preaching for money or for honor or any such thing. और जो कैमरा है वो ये नहीं समझ सकता कि मैं पैसे के लिए प्रचार कर रहा हूँ या वैसे. But there's another camera inside my memory. लेकिन मेरे मेमोरी मेरी याददाश्त के अंदर एक ऐसा कैमरा है. Which can also picture why I am preaching. Is it for honor or money or because I love the Lord? तो वो जो है उस चीज़ को जो है रिकॉर्ड कर लेता है कि क्या मैं पैसे के लिए प्रचार कर रहा हूँ या अपने आदर के लिए या फिर परमेश्वर के लिए. एंड इज ऑल्सो इट कैन पिक्चर ऑल द थॉट्स दैट गो ऑन इन माई माइंड. और वो चीज़ को रिकॉर्ड कर लेता है जो मेरे दिमाग के अंदर चलता है. दैट इज एन अमेजिंग वीडियो कैमरा आवर मेमोरी. और वो याददाश्त जो है वो बहुत ही खूबसूरत एक वीडियो कैमरा है. बिकॉज इट कैन रिकॉर्ड एवरीथिंग. क्योंकि वो सब चीज़ों को जो है अपने अंदर रिकॉर्ड कर सकता है. रिकॉर्ड माई थॉट्स. वो मेरे विचारों को रिकॉर्ड कर सकता है. वर्ड्स. मेरे शब्दों को रिकॉर्ड कर सकता है. मेरे जो काम है उसको रिकॉर्ड कर सकता है. एक्शंस इन द प्रेजेंस ऑफ अदर्स. माय एक्शंस व्हेन आई एम अवे फ्रॉम अदर्स. और जब मैं यहाँ पे हूँ या मैं दूर हूँ उस समय जो काम करता हूँ उन सबको रिकॉर्ड कर सकता है. एंड ऑल्सो द मोटिव्स ऑफ माई हार्ट. और मेरा मकसद क्या है उस चीज को भी वो रिकॉर्ड कर लेता है. सो दैट्स द सेकंड थिंग हियर. द लॉर्ड विल ब्रिंग टू लाइट द मोटिव्स ऑफ पीपल्स हार्ट्स. इसलिए यहाँ पे लिखा है कि जो हृदय की भावनाएं उनको भी वो जो है रिकॉर्ड कर सकता है. सी समटाइम्स अ पर्सन कैन डू अ वेरी गुड थिंग बट द मोटिव कैन बी ईविल. कई बार कई लोग अच्छे काम कर सकते हैं लेकिन वो हो सकता है कि उसके अपना हम हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल द बाइबल स्पीक्स अबाउट द ब्राइड एंड द हार्लट इन रेवलेशन. और प्रकाशित वाक्य में जो है दुल्हन के बारे में और वेश्या के बारे में लिखा है. द ब्राइड ऑफ जीसस क्राइस्ट एंड अ प्रोस्टिट्यूट. वहाँ पे जो है प्रभु यीशु मसीह के दुल्हन के बारे में और वेश्या के बारे में लिखा है. चैप्टर्स रेवलेशन 17 एंड 18 स्पीक्स अबाउट बेबीलोन द ग्रेट प्रोस्टिट्यूट. और 17 और 18 में जो है बेबीलोन के बारे में वो जो एक वेश्या के बारे में लिखा हुआ है. स्पिरिचुअल प्रोस्टिट्यूट नॉट फिजिकल प्रोस्टिट्यूट. वो आत्मिक एक वेश्या है. एंड रेवलेशन 19 एंड 21 स्पीक अबाउट द स्पिरिचुअल ब्राइड ऑफ जीसस क्राइस्ट. और 19 और 21 में प्रभु यीशु मसीह के दुल्हन के बारे में लिखा हुआ है. एंड You know, both are called themselves Christians. और दोनों अपने आप को मसीह कहते हैं. Babylon is false Christianity and Jerusalem is true Christianity. Babylon जो है वो झूठा मसीहा है और जो दुल्हन है वहाँ पे इज़राइल वो सच्चा मसीह है. Bride is the true Christian. और जो दुल्हन है वो असली मसीह है. Babylon the harlot is a false Christian. और जो बेबीलोन है वो झूठा एक दुल्हन है. One is a bride, one is a prostitute. एक जो है दुल्हन है और दूसरा वेश्या है. And one way to find out. और एक रास्ता ढूंढने का is by money. पैसे के द्वारा. Do you serve God? Do you serve Jesus out of love? आप परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की सेवा प्रेम के. Do you serve Jesus for reward? प्रेम के खातिर करते हैं या कुछ इनाम पाने के लिए. For example, एक उदाहरण के तौर पे, a wife will give her body to her husband out of love. अपना पत्नी जो है पति को अपने शरीर जो है प्रेम के कारण देती है. A prostitute will also give her body to a man for money. वहीं पे वेश्या भी अपने शरीर को जो है एक पुरुष को देते हैं सिर्फ धन के लिए पैसे के लिए. Both are giving their body. दोनों अपने शरीर को दे रहे हैं. One is out of love, the other is for money. एक पैसे के लिए और दूसरा प्रेम के कारण. So you can find out in the church who are the bride and who is the harlot. तो आप कलीसिया में पता कर सकते हैं कि कौन है वो दुल्हन और कौन है वेश्या. Where a person serves Jesus out of love. अगर जो कोई व्यक्ति प्रेम के कारण अगर जो प्रभु यीशु मसीह की सेवा करते हैं That's a real wife. तो वो असली पत्नी But है. Where a person serves Jesus for a salary or for money. और दूसरा एक व्यक्ति केवल तनख्वाह के लिए पैसे के लिए अगर जो प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई करते हैं Who is the one who gives her body for money? तो वो उसके समान है जो पैसे के लिए देते हैं you अपने शरीर को. तो आपको उसका जवाब पता है. Prostitute.
वो वेश्य है. And there are so many people who serve Jesus today for money. और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैसे के लिए प्रभु यीशु मसीह की सेवा करते हैं. That's how you see the harlot. और यही वेश्य है. These will you don't see it today. आप इसको अभी नहीं देख सकते. It says in the book of Malachi. मलाकी की किताब में लिखा है. That in the final day. और आखिर दिनों में. Verse 17. Chapter 3, verse 17. तीन मलाकी की किताब 3 उसका 17. The Lord says, in that day they will be mine, in the day I prepare my own possession. यहाँ लिखा है कि जो दिन मैंने ठहराया है उस दिन वे लोग मेरे वन मेरे निज भाग ठहरेंगे. Yes, he says, my bride I will gather, my own possession. मैं अपने भाग को या फिर मेरी दुल्हन को मैं इकट्ठा करूँगा. And that day, verse 18, you'll be able to distinguish between who is really righteous and who is wicked and who really serves God and who did not serve God. यहाँ पे फिर 18 में लिखा है, तब तुम फिर कर धर्मी और दुष्ट का भेद, अर्थात जो परमेश्वर की सेवा करता है और जो उसकी सेवा नहीं करता है, उन दोनों का भेद पहचान सकोगे. Today you don't see it. आज आप नहीं पहचान सकते. Because everybody appears very spiritual and talks about a burden to do this for the Lord and a burden to do that for the Lord. क्योंकि हर कोई आज जो है इस प्रकार से प्रकट करता है, दिखाता है कि परमेश्वर के लिए बहुत बोझ है, परमेश्वर के काम करने के लिए. The motive we cannot judge now. लेकिन उसका जो कारण, किस कारण से वो कर रहा है, हम नहीं जानते. We are not to judge also. और हम यहाँ पे न्याय करने के लिए भी नहीं. Bible says in that day the whole videotape will be played on the screen. You'll see the motive with which a person did everything. और उस दिन पूरा वीडियो दिखाया जाएगा कि किस कारण से आपने ये सब काम किए हैं. Why did you do it? आपने ये क्यों किया? Not what did you do? Why did you do it? आपने क्यों किया? That will be the important question that day. वो प्रमुख प्रश्न रहेगा. And then you will distinguish who is really serving God and who is not serving Him. और उस दिन पता चल जाएगा कि कौन अर्थात यानी कि सच्चे मन से परमेश्वर की सेवा करता है और कौन नहीं करता. That is why it's best not to judge anybody now. इसीलिए सबसे बेहतर यह है कि अभी किसी का न्याय ना करें. I don't judge, but I discern. मैं किसी का न्याय नहीं करता लेकिन उनको समझने की कोशिश करता हूँ. I discern because I cannot associate with certain people because I sense there's not a right spirit there. क्योंकि मैं सबके साथ जुड़ नहीं सकता, सबके साथ काम नहीं कर सकता, क्योंकि मैं मेरे को ऐसा लगता है उनके अंदर सही आत्मा नहीं है. I don't pass judgment on them. लेकिन मैं उनका न्याय नहीं करता. Because in the final day it'll become evident. क्योंकि आखिर दिन में ये पूरा यथार्थ में प्रकट होगा. If you want to be ready for that final day, अगर जो वो आखिरी दिन के लिए अगर जो आप तैयार होना चाहते हैं, मेक श्योर द थिंग्स हिडन इन डार्कनेस आर क्लीन इन योर लाइफ. कि आपके जीवन में जो अंधकार में छुपे हुए बातें वो बिल्कुल साफ सुथरी हों. मेक श्योर दैट एवरी सिन दैट यू हैव डन इन सीक्रेट इज कन्फेस्ड एंड सेट राइट. और जो पाप आपने अंधकार में रहस्य में किए उन सब के जो आपने माफी मांगा हो, पश्चाताप किया हो. एंड लाइक ज़ैकियस, इफ यू हैव taken money wrongfully from people, make sure you give it back. अगर जो ज़करिया की तरह आपने किसी भी प्रकार से धोखे से किसी से ज़्यादा पैसा वसूल किया है तो उसको वापस लौटा दे. If you have not returned somebody's money, अगर जो आपने किसी और के पैसे नहीं लौटाए हैं तो the Lord comes, परमेश्वर जब आएगा, that man will say, Lord, you can't take him. He owes me some money. You wait till he pays it back, then you can take him. हाँ, तो दूसरा व्यक्ति बोलेगा कि अरे प्रभु जी इसको अभी लेके मत जाओ क्योंकि इसने अभी मेरा पैसा नहीं दिया है. Will the Lord have to say that? Will somebody have to say that about you? Lord, you can't take that man because he owes me money. हाँ, तो क्या ऐसा बोलेंगे आपके बारे में कि अरे इसने मेरा पैसा नहीं चुकाया इसलिए प्रभु जी अभी इसको मत लेकर जाओ. As soon as possible, pay back all your debts. जितना जल्दी हो सके जो भी कर्ज आपने लिया है सब वापस लौटा दे. Especially if you have cheated somebody, return it. अगर जो आपने किसी को धोखा दिया है तो उसको वापस लौटा दे. Why did Zacchaeus say, I'll give back four times? Zacchaeus ने क्यों बोला कि चार समय ज्यादा मैं चार गुना ज्यादा दूंगा? He made a quick calculation of 10% interest per year and decided I have to give back more than I took. तो उसने 10% ब्याज को जोड़कर जल्दी से उसने हिसाब किताब लगाकर बोला कि मैं चार गुना ज्यादा लौटाऊंगा. He said, I stole that from that man 15 years ago. I can't give the same money. I have to give him with interest. क्योंकि 50 साल पहले मैंने जो लिया अब वही रकम मैं वापस नहीं दे सकता, मुझे ब्याज भी चुकाना है. 15 years means I must give him four times. 15 साल मतलब कि मुझे चार गुना ज्यादा देना है. So we have to be righteous
righteous in all these hidden areas. और इन सब रहस्य की बातों में हमें बहुत ही धर्मी होना है. Very few preachers talk about all this. और बहुत कम प्रचारक ये सब प्रचार करते हैं. And those are the people who are not preparing you for the second coming of Christ. और वो इस प्रकार के प्रचारक हैं जो आपको तैयार नहीं कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए. They are not preparing you for the final examination. और वो आखिरी परीक्षा के लिए आपको तैयार नहीं कर रहे हैं. They are teaching you a lot of subjects which will not come in the final exam. और आपको जो है बहुत सारे विषय में तैयारी करा तो रहे हैं लेकिन वो सब विषय आखिरी परीक्षा में नहीं आएंगे. How shall we settle these things which we have done wrong in our life? और जो गलत काम हमने किया है उन सबको किस प्रकार से हम चुका सकते हैं? We've all done wrong in our life. हमने पूरा गलत ही किया है. I remember when I got converted, the Lord showed me about money I had cheated, I had to give it all back. और जब मैं प्रभु यीशु मसीह में आया तो परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि मैंने किस तरीके से गलत काम से पैसे कमाए वो सब मेरे को वापस लौटाना पड़ा. Every pie. हर एक दाना दाना मैंने चुकाया. Emptied my bank account and paid it all back. और मैंने अपना पूरा बैंक का खाता खत्म कर दिया उनको चुका दिया. My bank was empty but my heart was full of the joy of the Lord. और मेरा बैंक का अकाउंट खाता तो खाली हो गया लेकिन मेरा हृदय भर गया आनंद से. If I had not done that 53 years ago. अगर जो 53 years पहले साल पहले मैंने ये नहीं किया होता. I would have been dragging a chain my leg for 53 years. तो मैं अपने पांव में जो जंजीर बांधकर घिसट रहा होता इतने सालों तक. Can you imagine running a race with a chain tied to your leg? हां, अगर जो कोई जंजीर आपके पांव में जकड़ा हुआ है और फिर आप दौड़ रहे हैं ऐसा आप सोच सकते हैं क्या? So these are the things that we need to really take seriously if we want to say I want to be ready for Christ's coming. इसलिए इन सब बातों को हमें गंभीरता पूर्वक लेना है और हमें बोलना है कि हमें तैयार होना है प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए. All money matters. जब मैं ऐसे सारे पैसे की बातें देखता हूं. And if somebody has hurt you. अगर जो किसी ने अभी चोट पहुंचाया है. Make sure you have forgiven that person completely. तो आप याद रखें कि उस व्यक्ति को आपने पूर्ण तरीके से माफ कर दिया है. You know, Jesus said in Matthew chapter 6. मत्ती रचित सुसमाचार छठे अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा. I believe my calling is to make sure that everyone who listens to me will get 100% in the final examination. मेरा बुलाहट यह है कि जो कोई मुझे सुनता है वो परीक्षा में 100% अंक लेकर आए. I have told people who come to our church in Bangalore. और बेंगलोर में जो हमारी कलीसिया में आते हैं उन लोगों से मैंने कहा. I say you may hear me say some very hard things. हाँ, तुम सुन सकते हो बहुत ही जो है कठोर लफ्जों को मैं उपयोग करते हुए. But in the day of judgment you'll turn around and thank me for it. लेकिन जब न्याय होगा उस समय मेरी ओर मुड़कर तुम मेरा धन्यवाद करोगे. See the condition of so many other believers who were fooled by their preachers who preached soft things to them. और बहुत ही नरम और मक्खन जैसी भाषा बोलकर कई सारे प्रचारक जो है कई विश्वासियों को मूर्ख बना रहे हैं. Now here is a really tough thing. यहाँ पे बहुत ही कठोर एक शब्द है. Matthew 6. मत्ती रचित सुसमाचार छठा अध्याय. You know the Lord's prayer. यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना सिखाया है. There are 6 requests there. यहाँ पे 6 प्रार्थनाएं हैं. Matthew chapter 6. मत्ती छठा अध्याय. In verse 9 onwards. 9 से लेके हम देखेंगे. Here are the 6 requests. Hallowed be your name. यहाँ छठा जो प्रार्थना है वो ये है. Hallowed be thy name. कि तेरा नाम पाक माना जाए. Thy kingdom come. तेरा राज्य आए. Thy will be done. तेरी इच्छा पूरी हो. 3 things concerning God. और प्रभु परमेश्वर के बारे में 3 विषय दिए. That's how we must begin our prayer. और इसी प्रकार से हमें प्रार्थना आरंभ करना है. What glorifies God. जो परमेश्वर की महिमा करे. Then 3 things concerning ourselves. और अपने बारे में 3 बातें. Give us our food every day. हमारे दिन भर की रोटी हमें दे. Forgive us our sins as we've forgiven others. हमारे अपराधियों को जैसे हमने क्षमा किया वैसे तू हमारे अपराधों को क्षमा कर. Don't lead us into temptation but deliver us from evil. और हमें परीक्षा में ना ले परंतु बुराई से बचा. Out of these 6 requests. ये छठा जो प्रार्थना है वो क्या है? Out of all these 6 requests. ये जितने भी 6 प्रार्थना विषय हैं. One thing Jesus takes out. एक चीज को वो बाहर निकालता है. And emphasizes it. और उनको जो है पूर्ण तौर से समझाता है. Which is that? वो क्या है? Not hallowed be your name. तेरा नाम पाक माना जाए वो नहीं. Not thy kingdom come. और तेरा राज्य आए वो भी नहीं. He talks about forgiveness. वो यहाँ पे क्षमा के बारे में बताता है. Out of these 6. और यहाँ पे 6 में से. He takes one. एक को जो है प्रमुख स्थान देता है. 14वां वचन. If you forgive men. इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा. और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा. Let me ask you a simple question. एक प्रश्न मैं आपसे करता हूँ. In that verse, is he talking to believers or unbelievers? इन वचनों के द्वारा वो विश्वासियों से बात कर रहा है या अविश्वासियों से? That's the first question. पहला प्रश्न ये है.
You know the answer. आप लोगों को उत्तर मालूम है. In both 14 and 15 he says, your heavenly father. 14 और 15 में वो कहते हैं कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता. Your father. तुम्हारा पिता. Now tell me, is he talking to believers or unbelievers? तो ये विश्वासियों से या अविश्वासियों से बातें कर रहा है? Is he the heavenly father of unbelievers? क्या वो स्वर्गीय पिता है अविश्वासियों का? No. नहीं. Your heavenly father. तुम्हारा स्वर्गीय पिता. Verse 15. 15वां वचन. Will not forgive your sin. तो तुम्हारा पिता तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा. If you don't forgive others. अगर जो आप दूसरों के अपराध क्षमा ना करोगे तो. Okay, next question. और दूसरा प्रश्न. If your sin is not forgiven. अगर जो आपके पाप क्षमा नहीं हुए. And you die. और आपकी मृत्यु हो जाए. Will you go to heaven or hell? तो आप स्वर्ग में जाएंगे या नरक में? Let me ask again. एक और बार दोहराना चाहता हूं. If your sin is not forgiven. अगर आपके पाप क्षमा नहीं हुए. When you die like that. आपकी मृत्यु के बाद. Will you go to heaven or hell? आप स्वर्ग में जाएंगे या फिर नरक में? Can you get a second chance after death to confess your sin and escape? मृत्यु के बाद दोबारा एक और मौका मिलेगा पश्चाताप करने के लिए और उस मृत्यु से बचने के लिए? No. नहीं. There is no second chance. It's appointed unto man once to die. After that, the judgment. आपके मृत्यु के बाद दूसरा मौका नहीं मिलेगा. After death, the judgment. The Bible says. मृत्यु के बाद बाइबल कहता है कि न्याय होगा. So, supposing you lived a very good life as a believer for many years. मान लीजिएगा कि आप एक विश्वासी होने के नाते बहुत अच्छा जीवन जिया कई सालों तक. And towards the end of your life, somebody did some terrible thing against you. और आपके जीवन के आखिरी दिनों में आपके प्रति किसी ने बहुत बुरा बर्ताव किया. Or did some terrible thing to your daughter. या आपके बेटी के साथ कोई बुरा बर्ताव किया. And you say, I'll never forgive that man. और आप कहते हैं कि मैं उस व्यक्ति को कभी ना भूलूंगा. Okay. What does the word say? तो वचन क्या कहता है? If you don't forgive men, your father will not forgive you. अगर आप दूसरे मनुष्यों का अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा ना करेगा. 25 years you lived as a good believer. 25 साल तक आपने एक अच्छा विश्वासी होने के तरह जीवन जिया. Only towards the end of your life you became so bitter that you wouldn't forgive somebody. और आप अपने जीवन के आखिरी क्षणों में इतने कड़वाहट से भर गए कि आप किसी को क्षमा करने के लिए तैयार नहीं हुए. And then you died. और उसके बाद आप मर गए. Without forgiving that person. और बगैर उसको क्षमा किए. I want to ask you a question. तो मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ. Will your father forgive your sin? क्या आपके पिता आपके पापों को क्षमा करेगा? Will you go to heaven or hell? क्या आप स्वर्ग में या फिर नरक में जाएंगे? You say, but he lived 25 years as such a good brother. लेकिन आप कहेंगे कि अरे ये 25 साल तक अच्छे भाई की तरह जीवन जिया. Uh-huh. So you believe that God will hold a balance in the last day, put all your good deeds one side and bad deeds that side. And that is how he's going to decide whether you go to heaven or hell. तो क्या आपको ऐसा लगता है कि परमेश्वर एक तराजू लेगा और एक बाट में आपके जितने भी अच्छे काम है उसको रखेगा और दूसरे में सारे बुरे कामों को और फिर आपका न्याय चुकाएगा? That is what every religion in the world believes. और हर एक धर्म के लोग यही मानते हैं. You also believe that? क्या आप लोग भी यही विश्वास करते हैं? It's not the gospel of Jesus Christ. तो ये प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार नहीं. You may say, Brother Zach preaches very hard. तो आप बोल सकते हैं कि ब्रदर जैक जो है बहुत ही कठोर प्रचार करते हैं. You will thank me in the day of judgment if you listen to me. अगर जो आप मेरा ध्यान से सुनेंगे तो न्याय के दिन आप मेरा धन्यवाद करेंगे. If you don't listen to me, you will discover in the day of judgment that what I said was true. अगर जो इसको नहीं लेते अपने जीवन में अनुसरण नहीं करते हैं तो न्याय के दिन आप बोलेंगे कि ब्रदर जैक सच कहते थे. I hope you will listen to me. मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे को सुनेंगे. Because these are the words of Jesus. These are the words of Jesus. क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह के वचन हैं. Being ready for the Lord's coming. और प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार हो जाएं. Oh, before you die, the Lord comes. और आपके मृत्यु के पहले प्रभु यीशु मसीह आ जाएं. Are you ready? क्या आप तैयार हैं? You have not forgiven somebody. और आपने किसी को क्षमा नहीं किया. How can you go if your sins are not forgiven? तो आप किस प्रकार से स्वर्ग में जा सकते हैं जब आपके पाप ही क्षमा नहीं हुए? If you do not forgive men, your father will not forgive you. अगर जो आपने किसी मनुष्य के पाप क्षमा नहीं किए तो आपके किस प्रकार से क्षमा होंगे? Heaven and earth will pass away, those words will not pass away. स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन परमेश्वर का वचन कभी ना टलेगा. Many years ago the Lord said to me. कई साल पहले परमेश्वर ने मुझसे बात किया. I never want you ever to preach to please men. कि मैं नहीं चाहता कि तुम कभी भी ऐसा प्रचार करो
कि इंसानों को खुश करने के लिए आई विल हेल्प यू टू अर्न योर ओन लिविंग, मैं तुम्हारी मदद करूंगा कि तुम अपना खुद जो है खर्चे के लिए निकाल सको, सो दैट यू विल नॉट बी डिपेंडेंट ऑन एनीबॉडी टू सपोर्ट योर फैमिली, ताकि तुम्हें किसी और के ऊपर निर्भर ना रहना पड़े कि वो आपके परिवार का देखभाल कर सके, सो यू विल नॉट नीड एनी रिच मैनस ऑफरिंग, और आपको किसी धनाढ्य या अमीर व्यक्ति का ऑफरिंग की भेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, यू विल नेवर हैव टू प्लीज एनीबॉडी इन एनी चर्च, और आपको किसी कलीसिया में भी जाके किसी को खुश करने की जरूरत नहीं, यू विल नॉट नीड एन ऑफरिंग फ्रॉम अ चर्च एंड यू विल नॉट नीड to be invited back again also. और आपको ना तो किसी कलीसिया की भेंट की जरूरत पड़ेगी और ना किसी कलीसिया में दोबारा बुलाने की जो है जरूरत पड़ेगी. But preach my truth. लेकिन सच्चाई को प्रचार करें. I said yes, Lord, I'll do that till the end of my life. मैंने कहा हाँ प्रभु, मैं अपने जीवन के आखिरी दम तक वही करूँगा. By the grace of God. और परमेश्वर के अनुग्रह से. And that is why I say things to you, which probably you don't hear from others. इसीलिए मैं कहता हूँ वो बातें सुनाता हूँ, हो सकता है कि आपने किसी और से ना सुनाऊँ. आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर मनी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर मनी, और मैं आपके पैसे से कुछ मेरे को लाभ नहीं है, ना तो उसमें मुझे लगाव है. दैट्स व्हाई इन ऑल द मीटिंग्स दैट आई अरेंज फॉर 40 इयर्स वी नेवर टेक एन ऑफरिंग. इसीलिए 40 साल से जो भी मीटिंग हुए हैं कभी हमने भेंट नहीं लिया. व्हेरेवर आई हैव रिस्पांसिबिलिटी आई ऑलवेज से नो ऑफरिंग्स. जहाँ कहीं पर मेरी जिम्मेदारी है मैं कहता हूँ कि वहाँ पर कोई भी भेंट नहीं लेगा. Because we don't want anybody to think we are interested in their money. ताकि ऐसा ना लगे लोगों को कि हम जो है पैसे में ज़्यादा लगाव दिखाते हैं. We are interested in their souls. और हमें उनकी आत्माओं की चिंता है. In their eternal salvation. उनके अनंत काल का जीवन का बोझ है. And we want to speak the truth so that they are ready for the Lord's coming. और हम सच्चाई को बताना चाहते हैं ताकि वो प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार हो जाएं. So this little thing that Jesus said here. जो छोटी छोटी बातें प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे कहा. If you don't forgive men, your father will not forgive you. हाँ, यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा. Let me give you an example from the Old Testament. पुराने नियम से एक उदाहरण देना चाहता हूँ. There was a man in the Old Testament called a man after God's own heart. एक व्यक्ति था पुराने नियम में, वो उसे कहा जाता था कि परमेश्वर के हृदय के इच्छा के अनुसार जीने वाला एक व्यक्ति. You know what his name was? क्या आप लोगों को उनका नाम पता है? David. उसका नाम था दाऊद. But he did not end his life as a man after God's own heart. लेकिन जो उसके आखिरी दिन थे उसमें उसने उस प्रकार से प्रभु यीशु के हृदय के अनुसार नहीं जीवन जिया. When you get time, read 2 Samuel chapter 15 and chapter 16. जब आपको समय मिले तो दूसरा शमूएल 16 और 17 अध्याय पढ़ें. 15 और 16. There you will read how Absalom, his son, chased David out of the throne. वहाँ पे हम देखते हैं कि अब्सलोम जो कि दाऊद राजा का खुद का संतान था, पुत्र था, उसने उसे देश से बाहर कर दिया. And while David was running away, जब दाऊद जो है वहाँ से भाग रहा था, there was a relative of the old king Saul. और शाऊल का जो है एक पुराना रिश्तेदार था, who hated David for overthrowing Saul. जो कि दाऊद से जो है बहुत नफरत करता था क्योंकि उसने शाऊल को उसकी गद्दी से हटा दिया था. Couldn't do anything because David was the king. लेकिन दाऊद राजा का वो कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया क्योंकि दाऊद राजा था. When he saw David being thrown out, जब उसने देखा कि दाऊद को भगा दिया गया, so happy. तो वो बहुत खुश हुआ. His name was Shimei. और उसका नाम शिमयन था. He came to meet David. और वो दाऊद से मिलने आया. He says, God has now rewarded you with punishment from your own son. और उसने कहा कि परमेश्वर ने जो है तेरा बदला लिया है करके. And he threw stones at him and cursed him. और उसके ऊपर पत्थरवाह करने लगा और श्राप देने लगा. And one of David's soldiers said, "Let me cut off his head." तो दाऊद के एक सैनिक ने कहा कि मैं उसका गर्दन काट देता हूँ. David said, "No." दाऊद ने कहा नहीं. There he was a man after God's own heart. हाँ, उस समय वो जो है परमेश्वर के हृदय के अनुसार जीने वाला एक व्यक्ति था. God has allowed him to curse me. Let me forgive him. हाँ, अगर जो वो श्राप देता है तो भी मैं उसको क्षमा करता हूँ. And he went away. और वो चला गया. And Absalom was then killed. और अब्सलोम उस समय मारा गया. And David came back as the king. और दाऊद राजा जो है वापस राजा के रूप में वापस आया. Shimei heard David is coming back now. और शिमयन ने सुना कि दाऊद अब वापस आ गया. And he was really scared. और वो बहुत डर गया. So he came running to meet David and saying, "Please forgive me. I'm sorry what I said." और दाऊद के पास आया और बोला, माफी मांगने लगा कि जो कुछ मैंने कहा. David said, "Okay, I won't kill you." दाऊद ने कहा कि मैं तुझे नहीं मारूंगा. He promised him. और उसको वायदा किया. Some years later, कुछ सालों के बीतने के बाद, David was dying. दाऊद मर रहा था. Now I want you to turn here in 2 Samuel. दूसरा शमूएल. Sorry, 1 Kings. पहला राजा. 1 Kings we read here in chapter 2. पहला राजा दूसरा अध्याय. Verse 1. पहला वचन. David's time to die drew near.
जब दाऊद के मरने का समय निकट आया, he called Solomon, तो उसने अपने पुत्र सुलेमान को कहा, and told him, I'm going the way of all flesh, all the earth, be strong, show yourself a man. तो उसने कहा कि लोक की रीति में पर मैं कूच करने वाला हूँ, इसलिए तू हियाव बांधकर पुरुषार्थ दिखा। Keep the charge of the Lord, walk in His ways, keep His statutes, His commandments. और जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है, उसकी रक्षा करके उसके मार्गों पर चला करना। Everything that's written in the law, keep it. और मूसा की व्यवस्था में लिखा है, वैसा ही उनकी विधियों तथा आज्ञाओं और नियमों का पालन करना। Then God will bless you. फिर परमेश्वर तुझे आशीष देगा। Now, if he had stopped there, अगर जो आप वहाँ पे रुकते हैं, and died. तो वहाँ पे मर गया। If he had stopped there and died, अगर जो वो वहाँ पे रुक कर मर जाता, that would have been great. तो महान होता। But he didn't stop there. लेकिन वो वहाँ पे रुका नहीं। He says, Solomon, वहाँ पे कहा सुलेमान, you know that man called Shimei. हाँ, उससे सुलेमान से कहता है कि शिमयोन को तू जानता है। Verse 8. आठवें वचन में लिखा है। There's a man called Shimei. हाँ, वहाँ पे एक व्यक्ति है जिसका नाम शिमयोन करके है। Shimei the son of Gera. हाँ, शिमयाई पुत्र जो है महीने You know how he cursed me. तू जानता है कि उसने कितना श्राप दिया। I told him, verse 8, last part, I will not kill you. और मैंने उससे शपथ खाई कि मैं उसे तलवार से ना मारूंगा। But लेकिन you didn't make that promise. तू उससे ये वायदा मत करना। I was the one who made that promise. मैंने वो वायदा किया है। Solomon, you make sure you kill him. सुलेमान, तुझे जो है उसको मारना है। And see how he says it, not just kill him. और उसने ये नहीं कहा कि सिर्फ मारना है। Make sure you bring his gray hair down to the grave with blood. हाँ, वो बोल रहा है कि तेरे जो उसके जो पके हुए बाल हैं, उसको बाल वाले का लहू बहाकर उसे अधोलोक में उतार देना। Ooh, is this David speaking like this? क्या ये दाऊद है जिसने ये कहा है? What is the next verse? अगला वचन क्या है? And he died. और उसके बाद वो मर गया। Let me ask you something. एक प्रश्न करना चाहता हूँ। Did David forgive Shimei? क्या दाऊद शिमयोन को भूल पाया या क्षमा किया? Yes or no? हाँ या नहीं? Don't be afraid. डरे नहीं। I'll give the answer. No. मैं जवाब देता हूँ, नहीं। Next question. अगला प्रश्न। Is David in heaven? क्या दाऊद स्वर्ग में है? What do you think? आप लोग क्या सोचते हैं? Yes. हाँ। Because in the Old Testament, there was no commandment saying if you don't forgive others, you will not be forgiven. क्योंकि पुराने नियम में ऐसा कोई हुकुम नहीं है कि आप उन अपराधियों को क्षमा करें तभी तुम्हारे अपराध क्षमा होंगे। There was no command in the Old Testament, don't lust after women. और पुराने नियम में ऐसा कोई हुकुम नहीं कि जो है स्त्रियों के पीछे उनके प्रति बुरी अभिलाषा रखें। Don't get angry. क्रोध ना करें। These are all New Testament commandments. ये सब नए नियम के हुक्म हैं। Don't be anxious. चिंता ना करें। Don't mix up old covenant and new covenant. पुराने नियम और नए नियम को मिलाएं नहीं। David had eight wives. दाऊद के आठ बीवियां थी। Today, if somebody has eight wives, you think he'll go to heaven? आज किसी के अगर जो आठ बीवियां हो तो क्या आपको लगता है वो स्वर्ग में जाएंगे? David had. दाऊद को तो था। See, people in the kindergarten are not tested at the same level as college students. हाँ, जो बच्चे छोटी कक्षाओं में पढ़ते हैं उनका जो है परीक्षा दसवीं कक्षा के बराबर नहीं होता। In the New Testament, we are like college students. नए नियम के हम जो विश्वासी लोग हैं, हम कॉलेज के विद्यार्थी के समान हैं। Old Testament, they are like kindergarten babies. और जो पुराने नियम के जो विश्वासी लोग हैं वो पहली कक्षा के विद्यार्थियों के समान हैं। See, if a three-year-old dirties his diaper, this is not a serious thing. हाँ, तीन साल का जो बच्चा है वो अपना डायपर गंदा करता है वो कोई गंभीर बात नहीं। 20 year old needs diapers, that is a bit of a serious thing. अगर जो 20 साल का बच्चा ऐसा करे तो फिर वो जो है कुछ खराबी है। When David does not forgive Shimei, that's not a serious thing. हाँ, जब दाऊद ने शिमयोन को क्षमा नहीं किया तो वो कोई गंभीर बात नहीं है। Because he never knew how much Jesus forgave us. क्योंकि वो नहीं जानता कि प्रभु यीशु मसीह ने कितना अधिक हमें क्षमा किया है। He never saw Calvary. He never saw the cross. और उसने कभी कलवरी क्रूस को नहीं देखा। But when you have seen Calvary, जब आप लोगों ने कलवरी क्रूस को देखा है और क्रूस को देखा है how much Jesus forgave you, और प्रभु यीशु मसीह ने कितना अधिक आपको क्षमा किया है, if you don't forgive others, और उसके बावजूद आप दूसरों को क्षमा नहीं करते हैं तो then you won't be forgiven.
तो आपको क्षमा नहीं मिलेगा. To whom more is given, more is required. हाँ, जिसको ज़्यादा दिया गया है, उससे ज़्यादा हिसाब लिया जाएगा. You say, why does God judge David and me by different standards? तो दाऊद और मेरा जो है, अलग-अलग प्रमाणों से क्यों न्याय होगा? If your company gives you 100 rupees to go and buy something for the company from the market, अगर जो आपकी कंपनी 100 रुपए देता है कि कंपनी के लिए बाहर जाके बाजार से कुछ खरीद के लाने के लिए, and he gives another person 100 crores to buy something for the company, और दूसरे एक व्यक्ति को 100 करोड़ रुपए देता है कंपनी के लिए कुछ खरीदारी करने के लिए, will the company expect this man to bring more than this man who got only 100 rupees? तो कंपनी किससे आशा रखेगी कि इससे ये जो व्यक्ति जिसको 100 रुपए दिया है वो उससे ज्यादा लेकर आने Definitely. के लिए नहीं. Much more. हाँ, जो जिसको 100 करोड़ दिया वो ज्यादा लेकर आना चाहिए. More was given. क्योंकि उसको ज्यादा दिया गया है. David never sat in a conference like this listening to what you're hearing. और दाऊद ने कभी ऐसा कॉन्फ्रेंस में हिस्सा नहीं लिया जहाँ पे आप लोग जैसे सुन रहे हैं. So God overlooks it because he didn't have light. तो जो है उसके अंदर वो ज्योति नहीं पाई थी, इसलिए प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर जो है उसको नजरअंदाज कर देगा. What about us who live in the new covenant? लेकिन नए नियम के हम विश्वासियों के बारे में क्या है? Is there such a thing as God canceling our forgiveness, which he forgave me once and he says no, I take it back? क्या ऐसा कोई है बात हो सकता है कि परमेश्वर ने हमें क्षमा कर दिया और उसके बाद उसको कैंसिल कर दे? Let's turn to Matthew 18. मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय देखते हैं. Peter came to Jesus once in verse 21, Matthew 18:21. Matthew 18, उसका 21 में देखते हैं. Lord, how many times shall I forgive my sin? 7 times. तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता है तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार? Jesus said, no, even 70 times 7. यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे नहीं यह नहीं कहता कि 7 बार, वरन 7 बार के 70 गुने तक. That means keep on forgiving. इसका अर्थ यह है कि क्षमा करते रहें. 490 times, even in a single day. यानी कि एक दिन में 490 बार. And then he said, I'll tell you a story. फिर वो एक कहानी सुनाता है. There was a king. एक राजा था. Verse 23. 23 में लिखा है. Who wanted to settle accounts with his servants. जो अपने दास का लेखा लेना चाहता था. And there was one man who owed him 10,000 talents. और एक व्यक्ति था जो कि 10,000 तोड़े धरता था. You know how much that is? That is 60 crores or something. यानी कि 60 करोड़ का मूल्य रखता है, यानी कि 10,000 तोड़े. 60 crores. When can you return 60 crores? You're in debt. 60 करोड़ का कर्जा आप कब चुकाएंगे? And he says, Oh master, I don't have anything. Please forgive me. तो वो बोलता है कि मालिक, मुझे क्षमा कर दो क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है. 60 crores. 60 करोड़ रुपए. And the king said, Okay. राजा ने कहा, ठीक है. Whole thing forgiven in one word. Signed, forgiven. हाँ, एक ही लफ्ज में कह दिया कि सारा कर्ज चुका दिया, माफ कर दिया. And he went and met another person. और वो अपने दूसरे दास से जाके मिला जिसका क्षमा हो गया था कर्ज. Who owed him maybe few thousand rupees. जिसने थोड़ा सा कर्ज लिया हुआ था. Maybe 2-3 thousand rupees. हो सकता है 2-3 हजार. No, 2-3 thousand rupees is a lot of money. हाँ, 2-3 हजार भी बहुत बड़ा रकम है. It's quite a bit of money. हाँ, काफी बड़ा large है. Sum. Large sum. ज्यादा. व्हाट इज इट कंपेयर्ड टू 60 crores? लेकिन 60 करोड़ की तुलना में ये क्या चीज है? इट्स नॉट इवन लाइक अ ड्रॉप. ये तो बिल्कुल बूंद के समान है. एंड ही कॉट हिम बाय द थ्रोट एंड सेड, पे बैक माय मनी. वर्स 28. और 28 में लिखा है कि उसको जो है पकड़ लिया, गर्दन पकड़ लिया और बोलता है कि जितने पैसे दिए थे वो सब वापस चुकाओ. एंड ही पुट हिम इन जेल. वर्स 30. और 30 में उसको लिखा है कि उसको जेल में डाल दिया, बंदीगृह में डाल This दिया. This man who had been forgiven 60 crores could not forgive a few thousand rupees. यहाँ पे देखिएगा, जिस व्यक्ति के 60 करोड़ रुपए क्षमा हुए, वो व्यक्ति ये छोटी सी रकम जिसने कर्ज लिया उसको क्षमा नहीं कर पाया. People heard it and reported it to the king. और लोगों ने ये खबर सुना और राजा से कह सुनाया. Verse 31. और 31 में देखते हैं. And the king called him back. Verse 32. और 32 में देखते हैं कि राजा ने उसको बुलवा लिया. Said, you wicked man, बोला कि हे दुष्ट दास, I forgave you all that huge debt. तूने जो विनती की और उस सारे कर्ज को मैंने क्षमा किया. Shouldn't you also have had mercy on your fellow slave? So जैसे मैंने तुझ पर दया किया, वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना And नहीं the चाहिए Lord, था? He was moved with anger. और वो अति क्रोधित हो गया. And said, you got to repay, verse 34, all that 60 crores. और फिर बोलता है कि जितना भी कर्ज लिया वो सब तुझे भर कर देना पड़ेगा, यानी कि 60 करोड़ रुपए. Does God cancel
the forgiveness that he once gave you? तो परमेश्वर जो क्षमा देता है क्या वो कभी कैंसिल करता है? What does the story say? ये कहानी क्या सिखाता है? Verse 35. 35 में. So shall my heavenly Father do to you if you don't forgive others. इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा. This is the one place in scripture where we are told that God can cancel all the forgiveness he gave you for millions of sins in your life. और ये एक ऐसा जगह है जहाँ पे परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि जो लाखों जो पापों से तुम्हें क्षमा किया है परमेश्वर ने वो सब कैंसिल कर देगा करके. You were forgiven 20 years ago when you were born again, all millions, crores of your sins. और 20 साल पहले अगर जो उधार पाया उससे पहले जितने भी आपने पाप किए उन सबको उसने क्षमा कर दिया होगा. But now last week you decided you're not going to forgive somebody. लेकिन पिछले हफ्ते आपने ऐसा निर्णय लिया कि आप अपने शत्रु को नहीं क्षमा करेंगे. You better hurry up and forgive him. तो आप जल्दी से उसको क्षमा कर दें. Because if you die in this condition, अगर जो आपका इसी क्षण में मृत्यु हो जाती है, it says my heavenly father will do the same to you if you don't forgive your brother from your heart. तो वो कहता है कि मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा ना करेगा करके ऐसा लिखा हुआ है. That means all that was forgiven 20 years ago is now put back on your head. इसका अर्थ यह है कि जो 20 साल पहले जो क्षमा आपने प्राप्त किया वो वापस वो सारे पापों का हिसाब आपके सर के ऊपर डाल देगा. Have you heard this before? क्या आप लोगों ने सुना इससे पहले? You don't need to hear it from me. Just read that. It's in your Bible. ये मुझसे सुनने की जरूरत नहीं, आप खुद पढ़कर देख सकते हैं. You know, one other thing the Lord told me in my Bible teaching ministry is this. और जो बाइबल का शिक्षा देता हूँ उसमें परमेश्वर ने मुझे एक और बात सिखाया है. The Lord said, I want you to preach what other preachers are not preaching in the Bible. परमेश्वर ने मुझसे कहा कि जो दूसरे प्रचारक प्रचार नहीं करते मैं चाहता हूँ कि वो तुम दूसरों को सिखाओ. Which are in the Bible. और जो कि वचन में है. Things in the Bible that some preachers are not touching at all. जो विषय पवित्र कलाम में है और वो दूसरे प्रचारक नहीं सिखाते हैं उन बातों को तुम सिखाओ. Because that's how you can save people's souls. और इसी प्रकार से तुम लोगों की आत्माओं को जीत सकते हैं. So I want to encourage you now. इसलिए मैं तुम्हें प्रोत्साहन करना चाहता हूँ. Before you get up from your seat. इस कुर्सी से उठने से पहले. To say to God. कि परमेश्वर से कहें. Lord, I forgive everybody who has harmed me. प्रभु जी, मैं उन सबको क्षमा करना चाहता हूँ जिस किसी ने मुझे दर्द पहुँचाया, दुख पहुँचाया. Start with your mother-in-law. I forgive my mother-in-law. Apni sasu maa se shuru kare. Because mostly people have problems with their mother-in-law first. Kyunki zyadatar logo ko jo hai sasu se hi samasya shuru hota hai. Lord, she's done so many things wrong to me, but I forgive her right now. Usne mere sath bahut bura bartav kiya, fir bhi main usko kshama karta hu. And Lord, that brother who cheated me of my family property and inheritance. Aur wo bhai jisne jo hai mujhe mere jo zameen jayadad se mujhe luta hai usko bhi kshama karta hu. And that person in the office who told a lie against me made me lose my job. Aur wo मेरे ऑफिस में जिसने झूठ बोलकर मुझे मेरे नौकरी से निकलवा दिया. Terrible things these people did. ये सब बहुत भयंकर काम इन लोगों ने किया है. But you've done terrible things against Jesus and he forgave you. और लेकिन आपने प्रभु यीशु मसीह के विरोध में भी बहुत भयानक काम किए हैं लेकिन उसने आपको क्षमा कर दिया. I'm not asking you to go and visit them. मैं नहीं कह रहा कि आप उनके पास जाएं. Jesus forgave the Pharisees, but he didn't go visiting their homes. प्रभु यीशु मसीह ने फरीसियों को क्षमा कर दिया लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु यीशु मसीह उनके घरों में गया. Troublesome people is best not to visit them. और जो नुकसान पहुंचाते हैं उनके घर में जाना ना ही बेहतर है. The Bible says, pursue peace with all men. और परमेश्वर का वचन कहता है कि सब लोगों सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप से रहो. Sometimes the best way to pursue peace with somebody is by never visiting them. और कई लोगों से मेल मिलाप से हम रह सकते हैं अगर जो हम उनके घर में कभी ना जाएं तो. Because there'll be a quarrel. नहीं तो लड़ाई होगा. So I'm not saying you must visit them or fellowship with them, but forgive them. मैं ये नहीं कह रहा कि उनके घर में जाओ उनसे मिलो लेकिन उनको क्षमा करो. You may never see them in your life. हो सकता है कि आपने उनको कभी अपने जीवन में ना देखा हो. I remember one place I was preaching. एक जगह में मैं प्रचार कर रहा था. The same message. यही संदेश. And one sister came up to me. एक बहन मेरे पास आई. And said, brother, my brother-in-law raped me. और उसने कहा कि मेरे जो माय हस्बैंड्स ब्रदर, हाँ मेरे जो पति के भाई हैं उन्होंने मेरा साथ बलात्कार किया. शुड आई गो एंड सी हिम अगेन?
तो मैंने कहा कि क्या, मैंने उसको क्षमा कर दिया, क्या मुझे उससे जाके मिलना चाहिए? I said, please don't go anywhere near that man. तो मैंने कहा कि कृपया करके उस व्यक्ति के नजदीक भी मत जाना. Forgiveness doesn't mean you got to go and meet him. क्षमा का मतलब ये नहीं कि आप उससे जाके मिले. No. नहीं. Steer clear of him. Don't ever see him. हाँ, उससे जाके मिलने की जरूरत नहीं है. But forgive him. लेकिन उसको क्षमा कर दे. What can you do? आप क्या करते हैं? Already he has done some evil. उसने कुछ दुष्ट काम किया. By retaining your bitterness against him, you are doing yourself more evil. हाँ, वो जो है कड़वापन अपने हृदय में रखकर और बुरा आप अपने साथ कर रहे हैं. So you can't undo the evil he did. जो दुष्टता उसने किया है उसको आप खत्म नहीं कर सकते. At least don't make it worse by having an unforgiving spirit. और कम से कम ना क्षमा करके और अधिक कड़वाहट पैदा ना करें. Forgiveness does not mean you have to go and meet or fellowship or any such thing. क्षमा का मतलब ये नहीं कि आपको उसके साथ जाके मिलना है, संगति करना है. Most difficult people, it is best never to meet them. और जो बहुत ही समस्या खड़े करने वाले लोग हैं, बेहतर ये है कि उनके पास ही ना जाएं. You can sit here and in a moment forgive everybody. आप यहाँ बैठकर भी एक ही क्षण में सबको क्षमा कर सकते हैं. Say, Lord. बोले प्रभु, I want to forgive so and so and so and so and so and so. फलाने व्यक्ति को तू क्षमा कर. I want to be ready to meet you when you come in the air. मैं तैयार रहना चाहता हूँ जब तू बादलों पर आएगा तुझसे मिलने के लिए. Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें. As we bow our heads in prayer. जब हम अपने सरों को झुकाते हैं प्रार्थना के लिए. In the presence of Jesus Christ, our Lord. यीशु मसीह जो कि हमारा प्रभु है, उसके उपस्थिति में. I believe the Lord has been here with us the whole day. और मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु हमारे संग संग था पूरे दिन. You heard him speak to you throughout the day. और आपने सुना उसको बात करते हुए आप लोगों से. And now we have come to the end of the day. और हम इस दिन के आखिरी क्षणों में पहुँचे. And we need to do some practical things before we leave for home. और हमें कुछ ऐसे चीजें करना है जो कि हमने सुना है, उसका पूरा अनुसरण, उसका पालन करना है. Say, Lord Jesus. बोले प्रभु यीशु. We know you're here. हम जानते हैं आप यहाँ पर हैं. You can hear me. और आप मुझे सुन सकते हैं. I'm saying before you that I forgive everybody. और मैं आपके सामने कहता हूँ कि मैं सबको क्षमा करता हूँ. Lord, these two or three people particularly come to my mind. और खास करके ये दो तीन व्यक्ति मेरे दिमाग में आ रहे हैं. I forgive this person, this person, this person. फलाने व्यक्ति को और उस व्यक्ति को मैं क्षमा करता हूँ. Lord, I don't wish any evil for them. और मेरे अंदर कोई भी दुष्ट बात नहीं है उनके विरोध में. I wish good for them. और मैं चाहता हूँ उनका भला हो. I forgive them. उनको मैं क्षमा करता हूँ. Because you have forgiven me so much. क्योंकि तूने मुझे बहुत अधिक क्षमा किया है. And help me, Lord, to keep this attitude of forgiveness till the end. और मदद कर ताकि मैं जीवन के अंत तक यही मनोभाव बनाए रखूं. Thank you for forgiving me. धन्यवाद मेरे अपराधों को क्षमा करने के लिए. And Lord, help me to keep a good conscience. और मदद कर ताकि मैं अच्छा विवेक रख सकूं. That what I've heard today will really help me to be ready for your coming. और जो कुछ मैंने सुना है वो सब मेरी मदद करे तेरे आगमन की तैयारी के लिए. I believe you brought me here to hear this. और मैं विश्वास करता हूँ तू मुझे यहाँ पर लेकर आया ये बातें सुनने के लिए. Because you love me. क्योंकि तू मुझसे प्रेम करता है. And you wanted me to be ready to meet you. और तू चाहता है कि मैं तैयार रहूँ तेरे से मिलने के लिए. Lord, I want to be ready to meet you. और मैं तैयार होना चाहता हूँ तुझसे मिलने के लिए. Forgive me my sins. मेरे सारे अपराधों को क्षमा कर. Cleanse me in the blood of Jesus. मुझे अपने लहू से धोकर शुद्ध कर. And you promised you will never remember my past again. और तू वायदा कर कि मेरे सारे बीते हुए चीजों को कभी याद ना करेगा. Thank you for hearing me. धन्यवाद सुनने के लिए. In Jesus' name. यीशु के नाम से. Amen. Amen. God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष दे.